स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर लाइट और ये क्वेश्चन मैंने लिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सेशन 2020-23 का क्वेश्चन नंबर 31। पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं। अ लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो। आपको ये फिगर गिवन है। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक टू द फॉलोइंग टू फॉर्म अ शार्प एंड इन फोकस इमेज ऑन द स्क्रीन। अभी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इंसिडेंट रेज लेंस पे गई, लेंस कौन सा है ये कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग, लाइट रेस को वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो लाइट रेस को कन्वर्ज यहां पर किया है, इमेज यहां बन रही है और स्क्रीन थोड़ी दूर है, तो हम क्या चेंजेस करें कि हमें शार्प इमेज मिले। यहां पर बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या चेंज करें कि हमें शार्प इमेज स्क्रीन पे मिले। स्क्रीन को हमें शिफ्ट नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम क्या चेंजेस करें टू गेट शार्प एंड इन फोकस इमेज ऑन द स्क्रीन। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे चेंज करें, कितना करें, कम करें, ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएं या पास ले जाएं, इसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है। जो कॉन्वेक्स लेंस की जो 6 केसेस वाली टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके मेन मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है F2 सेकेंड फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 होता है तो इमेज बनती है बिटवीन F2 एंड 2F2, मतलब हम लेंस के पास जा रहे हैं। फिर लेंस के और पास आए एट 2F1, मतलब हम लेंस के और पास आ गए तो इमेज कहाँ बनी? एट 2F2 पे। फिर हम और पास आए, F1 और F2 के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आए तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड 2F2, मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हैं इमेज दूर होती जा रही है, ठीक है। हमारा एम यहाँ पर यही है कि इमेज को थोड़ा सा खिसका के कुछ ऐसा करें कि इमेज यहाँ से इधर चली जाए, इमेज का डिस्टेंस दूर हो जाए। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कम करेंगे। ऑब्जेक्ट जहां पर भी है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते जाएंगे इमेज का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर देंगे ताकि इमेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। धीरे धीरे करके देखेंगे, जब शार्प इमेज आ जाएगी तब हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या चेंज करेंगे, इट शुड डिक्रीज टू गेट शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट पार्ट है फोकल लेंथ में क्या चेंज करें। सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहीं रखा, स्क्रीन भी हमारी यही है, अब हम फोकल लेंथ में क्या चेंज करें ताकि आपको ये जो इमेज है वहां पे मिले, शार्प इमेज मिले। अब देखिए, अभी पहले मैं एक बार आंसर बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कैसे हमने किया है। फोकल लेंथ को इंक्रीज करना होगा या हम बोलेंगे लेंस को थिन करना होगा। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, 1/v - 1/u = 1/f। अगर हम एलसीएम ले लें यू और वी का तो यहां पर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सो एफ कैन बी रिटन एस uv/u - v। ध्यान से देखिए, इसका रेसिप्रोकल किया तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो गया, ठीक। अब हमें पूछा है कि इमेज हमारी, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही रहेगा इस केस में, सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है। और फोकल लेंथ में क्या चेंज करें कि हम चाहते हैं इमेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। हम चाहते हैं ना इमेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। अभी इमेज डिस्टेंस इतना है, हम चाहते हैं कि इमेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तभी तो स्क्रीन पे आपको शार्प इमेज दिखाई देगी। तो इमेज डिस्टेंस हमें इंक्रीज करना है। तो अब देखिए, वी न्यूमरेटर में लिखा है, एफ भी न्यूमरेटर में लिखा है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। या बोल सकते हो हम चाहते हैं इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज करना तो हमें फोकल लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ इंक्रीज कर कब होगी? जब लेंस थिन होगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस लाना है हमें लेंस में? लेंस की फोकल लेंथ को हमें इंक्रीज करना है, या अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि लेंस को हमें थिन करना है। मूविंग टू पार्ट बी, सुनीताज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट हर टू यूज अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर टू करेक्ट हर विजन। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड शी यूज? तो आपको पावर नेगेटिव दी है। पावर नेगेटिव मीन्स कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कब लगाते हैं? जब हमें दूर का क्लियर नहीं दिखता, नियर साइटेडनेस या मायोपिया है पर्सन को, ठीक है। तो क्योंकि लेंस की पावर -2 डायोप्टर है तो लेंस कैसा होना चाहिए? कॉनकेव लेंस, क्लियर। अब फोकल लेंथ क्या होगी? सेकेंड पार्ट हम करते हैं। फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन है, दे आर रेसिप्रोकल, ठीक है। एफ इज 1/p फोकल लेंथ एंड पावर आर रेसिप्रोकल। सो दिस कम्स आउट टू बी -5.5 मीटर। पावर अगर डायोप्टर में है, फोकल लेंथ मीटर में होती है,
इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस का केस हो चाहे मिरर का केस हो, कोई भी। ठीक है, लेंस की पावर हमारे पास है वही माइनस 2 डायोप्टर, मीन्स हमारे पास फोकल लेंथ है माइनस 50 सेंटीमीटर और आपको इमेज डिस्टेंस बताना है, तो सिंपली हमें लेंस फॉर्मूला बता देना है, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। सो 1 बाय वी विल बी 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 1 बाय एफ इज माइनस 50, ठीक है, नेगेटिव साइन को मैं ऊपर लिख रही हूँ, प्लस 1 अपॉन यू इज माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 बाय 50 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 6 बाय 50। 1 बाय वी इज माइनस 6 बाय 50, तो हम इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख रही हूँ, 1 बाय वी इज माइनस 6 बाय 50, सो वी विल बी रेसिप्रोकल माइनस 50 बाय 6। कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल हमने किया, अब डेसिमल में हम आंसर निकाल लेते हैं, माइनस 8.33 सेंटीमीटर। सो इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.33 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव साइन आया ना, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज फॉर्म हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.33 सेंटीमीटर।